video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. जो मुस्लिमों की आवाज को असेंबली में उठा सके, हिजाब का मामला होंगे, एनआरसी का मामला, झटका, हलाल कट और लव जिहाद, गौ रक्षा, ये सब मामले आप लोगों के सामने हैं। हमें गूंगी और बहरी खयादत नहीं चाहिए, हमें नासिर हुसैन उस्ताद जैसा खयादत चाहिए। हमारे पास कोई नासिर हुसैन उस्ताद के पास कोई पीए नहीं है। आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना, अपना प्रॉब्लम जो भी है बता सकते हैं। हमारे पास कोई आदिल सुलेमान नहीं है, हमारे पास कोई पीए नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके आपने जो भी प्रॉब्लम है आपके मसाइल को हल करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। ये बार आप लोगों के हाथ में है कि किसको जिताना है। आप लोगों के सामने 5 साल से क्या हुआ, आप लोगों के सबके सामने है। ये बार इंशाल्लाह मेरी माँ और बहनों से सबसे रिक्वेस्ट है कि नासिर हुसैन उस्ताद को अपना भारी अक्सरे से वोट देकर आने वाले 10 तारीख को जिताने की जिम्मेदारी आप सबकी है। ये मसला हमारा नहीं है, आपके आने वाले बच्चों का है। आने वाले बच्चे आईएएस ऑफिसर, टीचर, इंजीनियर, आपके बच्चों की फ्री कोचिंग बनाने का मसला है ये। हम ये लड़ाई हमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आने वाली 10 तारीख तक इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और वोट लेकर भारी अक्सरियत से कामयाब होकर इंशाल्लाह जीतने के बाद भी हम लोग बहुत बड़ा फंक्शन करके आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। ये जैसा हम वोट लेने के लिए आए हैं ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा जो प्रोग्राम होगा हमारा जीत का होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे दो बात करने का मौका दिया गया है। इंशाल्लाह आज शंकु पाटिल दौरेबाद छोटा भूल जो है, छोटा मोदी कहता है ये चाय वाला मोदी से पूरी दुनिया देश परेशान है, सब परेशान है, मुसलमान परेशान है, कारोबारी परेशान है, दलित परेशान है, तमाम लोग परेशान है। एक चाय वाला पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है, सबको परेशान कर रहा है। आज ये कहता है कि मैं छोटा मोदी बनूंगा। ये बीजेपी वालों का कोई डट के मुकाबला कर सकता है? नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के कोई बात कर सकता है? सीएम दमई की आंख में आंख डाल के कोई बात कर सकता है? तमाम सुरखा परस्तों की आंख में आंख डाल के कोई बात कर सकता है? तो अनहाज खाए तो मोहतरम वासियों से नासिर का उत्साह से हरी है। पूरे हिंदुस्तान के न्यूज चैनल्स में डिबेट्स हो रहे हैं और आपके इस भाई ने कर्नाटक के अंदर सबसे पहले उसकी मजम्मत करने वाला मैं आदमी नहीं। असेंबली में बहस होती है, 224 एमएलए कर्नाटक में हिजाब पहनने वाले एक ही एमएलए वो हमने और आपने चुन के भेजा था मोहतरमा गणेश फातिमा साहेबा, जो हिजाब आप बचपन से पहनते आए हैं उसके तालुक से आपको असेंबली में खड़े होकर बात करने की जरूरत अगर आपके पास नहीं है हलाल गोश्त पे पाबंदी होनी चाहिए, झटका कट होना चाहिए। किस वजूहत से? हलाल गोश्त जो हम खाते हैं उसको जुबा किया जाता है, बिस्मिल्लाह ही अल्लाह अकबर बोल के उसको काटा जाता है। तो ये फासिस्ट आरएसएस लोग उसके ऊपर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। मैं हमारी यहां पर जितनी पर्दानशीन माएं और बहनें बैठी हुई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस मामले में आपके सामने कोई बात करता है तो क्या आप खामोश रहेंगी? क्या आप जवाब देंगी? क्या करेंगे आप? जवाब देंगे? देना चाहिए, हक है। आप पर्दा बचपन से हिजाब पहनते आए हैं, हिजाब क्यों पहन रहे हैं? जब बोल नहीं सकते तो क्या बजाय कि आप हिजाब पहन? 60,000 वोट हमारे हैं, गुज़िश्ता बार 60,000 वोट आए थे, इस बार 80,000 वोट आना है। हम 60,000 वोट के करीब हैं, हम पहुंच जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मोहतरमा और कांग्रेस के जिम्मेदारों, 60,000 से आप 1,60,000 को पहुंच सकते थे, मगर आपने इन 5 सालों में मिल्लत के साथ जो नाइंसाफी की है, मिल्लत के साथ जो धोखा किया है,
मिल्लत को जो शर्मिंदा किया है पहले उसका हिसाब किताब दें। मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर के, आज भी उसी हिम्मत के साथ उसी जुर्रत के साथ ये कांग्रेस के खाए दिन आपके बीच में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। एक एक दिन हमें तकलीफ हुई है, अरन में फसाद होता है, अरन में दरगाह का मामला आप सुने होंगे, हजरत लाल मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के अंदर उसके पूजा की गई, किसने इजाजत दी उनको पूजा करने की, किसने इजाजत दी, क्या उसको इजाजत देने के अंदर हमारे गुलबर्गा नॉर्थ के एमएलए नहीं थे? थे, जिस दिन पूजा की गई जब भी वो वहां पर मौजूद थे। सियासत में रखा है, जब मिल्लत के सामने ऐसे मुश्किल हालात है, मैं दस्तबरदार नहीं हो सकता था, इसलिए हिम्मत जुटा के आया हूं। आप लोग साथ देंगे इंशाल्लाह, देंगे साथ, हिम्मत से रहो, हिम्मत से रहो, अम्मा आवाज नहीं आ रही, 5 साल लड़ रहा हूं, पुलिसों से लड़ रहा हूं, आईएएस ऑफिसर से लड़ रहा हूं, आगे बढ़ो हिम्मत से, मेरा निशान क्या है, नहीं आ रही आवाज, बारे वाली औरत, बारे वाली औरत, सीरियल नंबर 3, कितना 3, वजू करते कितने बार कुल्ली ना, मैं पानी कितने बार 3 है, बहुत अजीज है, मेरा इलेक्शन भी 3रा है एमएलए का, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरे साथ इंसाफ करेंगे और बेफिक्र रहिए, जीत के भी आएंगे और इंशाअल्लाह 25 साल तक गुलबर्गा शहर के अंदर ये जो फासिस्ट ताकतें हैं पैसे की दम पर खरीदने की जो सोच रख रहे हैं उनको इक्तदार से दूर रखने का भी काम आपका भाई करेगा। शुक्रिया, खुदा।